ஆச்சரிய பிரபர் திருவள்ளாச்சார சுவாமி கிரந்த்ராஜ் குரல் காப் மே உனத்தர்மே பரிச்சித் மே ராஜதூத் கி வியாக்கியா கர் ரே குசல் சம்ராட் குசல் ராஜதூதோ சே யுக்த ஹோதா ஹே ஜிஸ்கா குல உச்ச ஹே விசார்சீல் ஹே और व्यवहारिक ज्ञान से युक्त है, तत्निर्णय से युक्त है, प्रभावपक मुख मुद्रा है, ऐसा पुरुष जो है राजदूत बनने के योग्य है। और जिसके अंदर ये क्षमताएं नहीं है उसे राजदूत बनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। राजदूत यानी कि सम्राट, सम्राट का ही रूप राजा, राजा का दूसरा रूप है राजदूत। राजदूत की पराजय यानी कि सम्राट की पराजय, राजदूत की पराजय सम्राट की पराजय। राजदूत का सम्मान ही राज्य सम्मान, जिस सभा में तुम पहुंचे हो राजदूत बनकर के, वहां आपका सम्मान किया गया है, ये उस राज्य का सम्मान है, न कि राजदूत का सम्मान है। और राजदूत का अपमान यानी कि उस राज्य का अपमान है किया गया, अंगद से मिलिए, अंगद ने रावण की चिंता नहीं की, परवाह नहीं की, यूं बोल दिया मुझे आप आसन नहीं दे पाए, ये हमारा अपमान नहीं है, हमारे प्रभु राम का अपमान है, हम राम का अपमान कैसे सहन कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना ही आसन बना लिया। तो ऐसा है, कुछ लोगों को आसन दिए जाते हैं, कुछ लोगों को आसन दिए जाते हैं, कुछ लोग अपने हुनर से अपना आसन बना लेते हैं। जिनको आसन दिए जाते हैं वे पर के मुख देखते रहते हैं, अपना आसन बना लेते हैं सुमुखी होते हैं, फिर पर उसका मुख देखते हैं। बालक, हमने ऐसा माहौल देखा एक स्थान पर कि दूसरे को मुख बनाया जा रहा था, आसन दिए जा रहे थे और किसी का आसन मिटाया जा रहा था। तब मैंने विचार किया ये राजनीति नहीं है, ये कूटनीति है। मैं शुरू से राजनीति जानता, लोगों की कूटनीति पहचानना जानता। तब मैंने सुना इस जीव को जीने दो, कोई स्थान नहीं देने का, ठीक कोई विकल्प नहीं है। मैंने कहा महात्मा विशुद्ध सागर जी, कुछ लोग इतने भले होते हैं मक्खी दूध में गिर जाए कम से कम उसको शांति से निकाल के फेंक देते हैं, पर उसके पंखों में लगे दूध की चिंता नहीं करते। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मक्खी के पंखों में लगा दूध भी नष्ट नहीं होना चाहिए, तो वो भी मैंने अपनी आँखों से देखा कि निचोड़ के, ऐसे निचोड़ के फेंका। कुछ ऐसे लोभी लोग होते हैं, निकालना ही भी क्यों, उसको उसी में घोंट देते हैं, वो भी मैंने आँखों से देखा। उसी को देखकर मैंने बाजार का दूध छोड़ दिया था, बोले कभी नहीं पीने जाऊँगा। एक डेयरी पर मैं खड़ा था बचपन में, तो एक मक्खी गिर गई, मैंने कहा भाई तुम्हारी देखो इसमें केन में मक्खी गिर गई। वो आया, उसने मालूम किया कि यूँ ऐसे घुमा दिया, मैंने ये क्या किया, बोले अरे पागल माँ बाप बना रहे हैं, रबड़ी घोंट रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, घोंट तो उसी के अंदर। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे हैं पक्ष विशेष के लोग जो खाने में थूक देते हैं, फलों में थूक देते हैं। तो विषय ये है कि ऐसे लोग सोचते कि मैं दूसरे को नीचे गिरा रहा हूँ, पर तुम नीचे नहीं गिरा रहे हो, आप अपनी नीचता दिखा रहे हो। जो व्यक्ति इंसान होकर के भी इंसानियत से इतना गिर जाए कि दूसरे को थूक में खाने में थूक खिलाए, बोले तुम मेरे नीचे नीच लोगों मेरा थूक खाओ,
वो नीच है नहीं, ये विषय आपका नहीं है, लेकिन आपकी नीचता दिख रही है कि तुम कितने खोटे हो, कितने नीचे गिरे हुए हो। इसी प्रकार से ये हमको विद्या सीखना चाहिए, इस बात का विवेक होना चाहिए। ये शब्द मेरे कानों में गूंजे, पढ़ा रहने दो, यानी कि नहीं महात्मन, अब आपको कोई आसन नहीं देगा, तुमको अपना आसन बनाना होगा। तो कोई आसन छीन ले अपना और तुम पुरुषार्थ छीन लो, तो ये मत सोचो उसने हमारा आसन छीन लिया, उसने तुमको पुरुषार्थ करने का मौका दिया, ऐसा सोचो आप। यदि केकई राम को वनवास नहीं मांगती, यदि भरत के लिए राज नहीं मांगती, राम जंगल नहीं आते, राम के अंदर वो जो चतुर्मुखी प्रतिभा जागृत हुई एकदम, वो नहीं हो सकती थी। जब जब कोई तुमको पटके पानी में तो तुम्हारे हाथ पैर चलने लगते हैं, तो तुमको मालूम चले मैं तैरना भी जानता हूँ। इसी प्रकार से जब कोई अपने ही घर का आदमी, अपने ग्रुप का आदमी, अपने यूथ का आदमी, समूह का आपको धोखा दे दे, तो आप और उन्नति करोगे, विश्वास रखो। इसलिए आसन अंग जैसा बनाना चाहिए, आसन अंग जैसा बनाना चाहिए। रावण ने आसन नहीं दिया लंका में, तो अंगद ने कहा ये आपने मेरे प्रभु राम का अपमान किया है, मैं अपना आसन बनाता हूँ, ऊंचे बैठ गया जाकर। ठीक है, इसी प्रकार से ज्ञानी जन, यदि कोई अहंकारी अहंकार के आसन पर बैठा है, तो मुझे विनय का ऊंचा आसन बना देना चाहिए, आप नीचे रह जाओगे। तुम असंयम राज्य की विभूति में आगे बढ़ रहे हो, हम संयम के आसन पर बैठे हैं, बोलिए आप क्या बोलोगे। आपको झुकना ही पड़ेगा, ऐसे अहंकारी जीवों को इस छोटी सी उम्र में मैंने भोला बहुत देख लिया, और मैं समझता हूँ वर्तमान में नव उम्र में ही दीक्षित होना चाहिए, जिससे वृद्ध अवस्था आते तो बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। युवाओं को दीक्षा लेना चाहिए और संपूर्ण देश में विहार करना चाहिए। एक क्षेत्र के बनके रहोगे ना तो विकास नहीं पा पाओगे, विकास चाहिए तो तुम क्षेत्रीय पार्टी बनके हो गए, मध्य प्रदेश की पार्टी की, बिहार की पार्टी, कहीं गुजरात की पार्टी नहीं चाहिए मुझे, राष्ट्रीय केंद्र चाहिए, समझ ना। तो जो साधु पूरे देश में विहार करता है वो पूरे देश की पार्टी वाला होता है, और ये प्रांत विहार के प्रांतीय पार्टियाँ हैं, कुछ ब्लॉक वाली हैं, कुछ जिले वाली हैं, कोई नगर पंचायत वाली हैं, समझ रहे ना। इसलिए आपको विहार करना चाहिए, और तन से रोड पर मार पर विहार करो, और हृदय से आत्म विहार करो, और आंखों से जिनवाणी के प्रश्न प्रश्न पर विहार करो, आगम बिहारी बनो तो कुशल ज्ञाता बनोगे, कुशल ज्ञाता बनोगे। फिर मैं किसी सम्राट का दूत बन के नहीं आया हूँ, भगवान महावीर का दूत बन के आया हूँ, ऐसा विचार करने का। देश के राजाओं का दूत तो दुनिया बनती है, दूत का अर्थ सूचना बाहक, दूत का अर्थ सूचना बाहक, सम्राट का प्रतिनिधि बन के आया, सूचना देने वाला। तो भगवान महावीर के दूत हैं ये जिनेन दिगंबर मुनि, परमात्मा के अग्रदूत हैं ये, भगवान की तत्व की सूचना देते हैं जगत को, अहो निरंत दूतो अरहंत देव के। विश्व शांति का दूत कोई है तो जैन मुनि है, विश्व शांति का कोई दूत है तो सच्चा भावलिंगी जैन मुनि, साधु साधु साधु, जो साधु स्वभाव होना चाहिए उसके अंदर। पंथों में पक्षों में जकड़े लोग महावीर के दूत नहीं है। तुम विराग सागर के, विद्या सागर के, वर्धमान सागर दूत बन के जीना चाहते हो, तुम छोटे लोग हो, पुष्दंत के दूत नहीं बनो, विराग सागर के दूत मत बनो, विद्या सागर के दूत मत बनो, भरत सागर दूत मत बनो, विमल सागर के मत बनो, महावीर के दूत बनो,
तो तुम पूरी श्रवण संस्कृति के विश्व दिखाई देगा तुमको। दूत तो है ही आप, आपको बोध होना चाहिए। छोटे राजे ही सम्राट के दूत बनते हैं, चक्रवर्ती के दूत राजा ही होते, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं होते। वो अंगद कोई भृत्य का बच्चा नहीं था, वो भी सम्राट का बालक था, समझ रहे ना। इसलिए दूसरी बात, आपने दूत के लक्षण ही पढ़ रहे क्या? कुलोत पूज्य कुले, लोक पूज्य कुले, छोटे मोटे कुल का आदमी हीन भावना में जीता है, वो दमंगी से बात नहीं कर सकता। जिसका देश और जाति कुल शुद्ध होगा वही दमंगी से बात कर पाएगा। जिसके स्वयं में देश में जाति कुल में कलंक होगा और स्वयं में कलंक होगा, वो अपनी बात को वीरता के साथ नहीं कह सकता। समझ गए? उतना दमंगी से बोलने के लिए आपको उच्च कुल चाहिए, उच्च कुल। लोक पूज्य कुलेशु पहला हेतु दिया दूत का। आगे आइए, और क्या विशेषता होती दूत की? संक्षेप भाषणम वर्ण्यम माधुरम कटुभाषणम सुदूता साध निरेत कुर्वन्ति स्वामनोहितम। देखो प्रणोद सागर, ये विशिष्ट बात है। बिगड़ती बात को बना सकता मधुरभाषी, बिगड़ती बात को जैन साहब, इसलिए मैंने आपको बोला था एक दिन, बिगड़ती बात को बना सकता मधुरभाषी, बनती बात को बिगाड़ सकता कटुकभाषी। बनती बात को बिगाड़ देता कटुकभाषी, जिसके मुख मुद्रा और भाषण में मुख मुद्रा विकृत हो, भाषण कुभाषण हो, खान कुपान खान पान अवच्छ हो, अन्याय नीति में जीता हो, ऐसा आदमी कभी दूत बनाने के योग्य नहीं है। राजा क्या बनाएंगे उसको? जिसके अंदर राज दूत बनने की योग्यता नहीं है, संकल्प भी, उसे सम्राट पद कैसे दिया जाए? सबसे पहला धर्म है राष्ट्रभक्त। आप मुनिराज हो, त्यागी व्रती हो, सबसे पहले गुरु भक्ति चाहिए आपके अंदर। सारे गुण बाद में, पहले गुरु भक्ति होना चाहिए, जिन शासन प्रति भक्ति होना चाहिए, जिन शासन प्रति अकाट श्रद्धा होना चाहिए। मेरे प्राण जा सकते हैं पर जिन शासन के केसरिया ध्वज को नीचे नहीं आने देंगे। आपका केसरिया ध्वज नीचे नहीं आना चाहिए। तो सबसे मुख्य गुण यहां पर कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, संक्षेप भाषणम वर्ण्या, संक्षिप्त वक्तत्व। जो संक्षेप बोलता है ना उसको लोग सुनना पसंद करते हैं, जो शुरू होने का बंद नहीं होता है उसे लोग बंद करते हैं। शांत बैठो, जहां सुनने का अवसर वहां सुनना चाहिए, बोलने की आवश्यकता नहीं। अरे जैसे नल की टोटी जब प्यासा आदमी स्वयं खोलता है, प्यासा आदमी नल की टोटी स्वयं खोलता है, ऐसे सुनने वाले तो स्वयं बुलवाएं तो तुम्हारी कीमत है, तो तुम्हारी कीमत है। अचानक पाइपलाइन फट जाए तो लोग दौड़ते बंद करने के लिए अचानक पाइपलाइन फट जाए तो लोग दौड़ते हैं बंद करने के लिए। ऐसे ही मित्र, तुम इतने बोले कि लोग तुम्हें फटी पाइप लाने के समान बंद करने के लिए खड़े हो गए, चुप चुप चुप, बंद हो जाओ बंद हो जाओ। एक नगर में गए कबीर जी, खड़े हो गए, ओहो उन्हीं का गांव था, क्या फदियत हुई उनकी। अब मैं कहूँ क्या इनकी विद्युत कहाँ पलायन कर गई? अरे जब वक्ता कोई बड़ा बैठा है, तुम कितने बड़े कवि हो, कम बोलना चाहिए। लोगों ने बोला, एक कविता नहीं सुनी उनकी, ताली दे मारो दे। वो कह रहे थे हम समझ रहे, तुम हम चुप कराना चाह रहे हैं, हमने समझ ही रहे ना, चुप हो जाओ ना।
लोग बोले मैं तो विशुद्ध सागर को सुनना है, विशुद्ध सागर सुनना है, लाइन चिल्ला पड़े सब थे आप। तो आप सोचिए, आप एक बहुत बड़े उच्च कवि थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, आदत के लाचार लोग होते हैं। संचय भाषणम, तो आपको अपनी इज्जत बढ़ाना है। चेतन तन्मय, अपनी इज्जत बढ़ाना बेटा, तो कम से कम बोलना। जगत ऐसा है, तुमसे बुलवाएगा ही फिर कहेगा चुप हो रहा, ऐसे ही जगत। पहले तुमसे कहेंगे बोलो भैया, और तुम शुरू हो गए ना चुप हो जाओ। इसलिए अपन को कोई से बोलना नहीं, आवश्यकता पर बोलना, आवश्यकता पर बोलना। संक्षेप भाषणम वाण्य माधुर्यम, पहला गुण क्या है, संक्षेप वचन बोलना, और दूसरा गुण है माधुर्यम। संक्षेप तो बोले, कम बोले, लेकिन पत्थर पटक दिया, एक ही ज्यादा नहीं। अरे बोले, एक ही एटर बम काफी है बंदूकों की जगह, तुम चिटपट गया, ठीक है ना। तो तुमने बोले तो कम, पर ऐसा बोल दिया कि भैया सबाई फट गई जमीन, नहीं। अल्प बोले लेकिन माधुर्यम, मधुरता पूर्वक होना चाहिए भाषण में, माधुर्य होना चाहिए, ठीक है। हार्दिक बाबू मीठा बोलो, कम बोलो, कटु भाषणम, और कटु को भाषण नहीं बोलने का, कटु भाषणम त्याग कर देना चाहिए। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें भाषा तो अच्छी आती है, अपना अहंकार दिखाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे उनकी नीचता आ जाती है। मैं प्रेम से बोलूंगा तो उनका सम्मान बढ़ जाएगा। कुछ लोगों की देखो, मैं आपको बताऊँ, चाहे साधु पुरुष हों, भेष वाले, साधु स्वभाव वाले तो अच्छे ही बोलेंगे हर समय, पर भेष के साधु, उन्हें लगता है कि हम इनको अच्छा बोल देंगे तो इनका इनकी महिमा बढ़ेगी, इनके नंबर बढ़ जाएंगे। उनका ये विचार चलता है, ये भाषा चलती है, इनके नंबर बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें उनको अच्छा बोलना नहीं है। अरे सामने के नंबर बढ़े ना बढ़े, पर तुम्हारी भाषा समिति का नंबर तो गिर गया, तो मीठा बोलना नहीं जानते आप, विषय समझो। आप संयंत के नंबर बढ़ा पाए नहीं बढ़ा पाए, पर अशुभ बोल करके अपना नंबर तो आपने गिरा लिया। अंगद गया था राज्यसभा में, तो कितने सुंदर भाषा का प्रयोग कर रहा था कि नहीं, पर प्रारंभ में रावण ने भी अच्छी भाषा का प्रयोग किया, ऐसा बात नहीं है, वो लग रहा था कि सम्राट है। इसलिए कटुक भाषण सुदूता साधनी, कटुक भाषण का त्याग करें। सुदूता साधनी ये तई, मतलब ये दूत की साधना है, राजदूत की इस साधना है। बोले क्या, संक्षेप बोलना, मधुर बोलना, कटुक भाषण का त्याग करना, ये दूत की साधना है। कुरुवन्ति सौम्योहितम, जो कि कुरुवन्ति सौम्योहितम, जो स्वामी का हित करने वाला है, अपने स्वामी का हित करने वाला, राजा का हित करने वाला, वही सच्चा राजदूत कहलाने के योग्य है। मित्र, तो यहाँ आप समझो, राजदूत कौन हो सकता है, स्वामी हितैषी और मधुरभाषी, कटु भाषण का त्यागी, संक्षेप में बोलने वाला, वही सच्चा राजदूत है। ये आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी कह रहे हैं, ये राजदूत की है साधना, राजदूत की साधना। सुनाओ बालक।